नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। मेरा गांव मेरे देश में हम उत्तर प्रदेश के तमाम उन जिलों का, उन गांवों का, उन कस्बों का हाल जानने के लिए निकलते हैं जहां पर वादे तो बहुत किए गए, दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो जनता के सामने लाना जरूरी है, वो भी जनता की जुबानी। कुछ यहां पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो जानकारियां देते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूँ कि साहिबाबाद में किस तरह की सड़कें हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं साहिबाबाद की। विकास के नाम पर जहां सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हुई है, ये सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कें कम लग रही हैं, गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बरसात के समय में कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। साहिबाबाद में 10 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, वोट बटोरने के लिए तो यहाँ पर तमाम नेता आ जाते हैं, लेकिन सड़कों का हाल खस्ता हाल है, इसका हाल जानने के लिए कोई नहीं आता है। इसके अलावा अगर तमाम व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं भी लचर हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या फिर इन सड़कों का बुरा हाल हो। यहाँ पर बताया जाता है कि विकास लगातार किया जा रहा है और विकास की गति को धार भी दी जा रही है, लेकिन कितना विकास किया गया है, कितना विकास की गति को धार दी गई है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है जहाँ पर सड़कें पूरी तरह से गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त ये नजर आती हैं। यहाँ के जो विधायक हैं उनका कहना है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन कितना काम किया है वो तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा बहाने तो ये भी होते हैं कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो यहाँ पर चलता रहता है, जिसकी वजह से सड़कें एक बार में दुरुस्त नहीं हो पाती। लेकिन ये जिस तरह के गड्ढे आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हाल कितने बेहाल हैं और किस तरह की जो सड़कें हैं वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। इसके अलावा आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता सिर्फ यही कहती है कि विकास के नाम पर यहाँ पर खानापूर्ति की गई है, विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, चाहे वो मेन सड़कें हों, चाहे वो गलियों हों, जहाँ पर गड्ढा ना हो ऐसा कहना मुश्किल होगा। हर गली में, हर सड़क पर गड्ढा है, गड्ढों में पानी भरे हुए हैं, लोग अपने वाहनों को लेकर इसी पानी में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, कईयों को गंभीर चोटें भी आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जाता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं। और कहते हैं कि लगातार स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप ये पूरा इलाका किया जा रहा है, लेकिन कितना डेवलप है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा साहिबाबाद में कई इंडस्ट्रियल यहाँ पर एरिया है पूरा बताया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ की जो मेन सड़कें हैं वो इतनी खस्ता हाल में नज़र आती हैं। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में हम जानने के लिए निकले हैं हर गांव हर कस्बे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, कौन सी विधानसभा क्या कहती है। और आज इसी सिलसिले में हम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर बाद तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितने वोटर्स हैं यहाँ पर ये हम आपको बता रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो बताए जा रहे हैं, 10 लाख वोटर हैं, यानी कि यहाँ पर 10 लाख वोटर होने के बावजूद भी विकास के नाम पर 10% जो है वो भी नहीं दिया गया है। अगर 10% भी विकास हुआ होता तो शायद साहिबाबाद की जो तस्वीरें हैं वो अब से अलग होती, लेकिन अब ये तस्वीरें ऐसी हैं कि आप देखकर ही कहेंगे कि साहिबाबाद है, यकीन नहीं होता है। हालांकि कुछ जगहों पर ज़रूर विकास की बात कही जा रही है, कुछ जगहों पर सड़कें फिर भी दुरुस्त हैं, लेकिन जो मेन सड़कें हैं वही खस्ता हाल में नज़र आती हैं। जो रोज के आने जाने वाले लोग हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आसपास के जो एरिया है, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, उन्हें भी तमाम दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। 2022 का विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है, ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र का
हालचाल जानना, उसकी हकीकत आप तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के चलते हमने खास प्रोग्राम का आगाज किया है। इस खास प्रोग्राम के चलते हम हर एक विधानसभा का हाल जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ की जनता की जुबानी और वहाँ के जो तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम जो नेता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम साहिबाबाद आए हैं, साहिबाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का हालचाल भी जानेंगे, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह का विकास हुआ है, 5 सालों में कितना बदला है, उससे पहले किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 2017 से पहले और 2017 के बाद साहिबाबाद कितना बदला है और कितना यहाँ पर विकास हुआ है, ये जानने की कोशिश आज हम करने जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, और बार बार ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन 5 सालों में बहुत दावे और वादे किए जा रहे थे कि योगी सरकार में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत होगा क्योंकि ये जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हैं। आम जो पैदल चलने वाली जनता है उनके लिए भी परेशानियों का सबब लगातार बन जाता है, क्योंकि इन सड़कों में पानी भर जाता है तो पैदल निकलना भी दुश्वार हो जाता है। तो समय कम है लेकिन तैयारियां पूरी की जा रही हैं, और इन तैयारियों के चलते अब एक के बाद एक तमाम विधानसभा क्षेत्रों का हाल जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी सड़कों पर उतरी हुई है और तमाम मेहमानों से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास देखा है। तो बीजेपी नेता संजय त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। संजय जी, सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद संजय जी। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें अभी मैं देख रही हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भयावह हैं। देखिए ऐसा है, साहिबाबाद जो है प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ बहुत काम की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश 2017 में हम आए हैं, 4 वर्षों में इतना काम हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, पूरी विधानसभा में जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं अब तक, और जो हमारे वर्तमान एमएलए हैं सुनील शर्मा जी, जो विधायक जी हैं, लगातार रिकॉर्ड पूरी साहिबाबाद विधानसभा में रिकॉर्ड काम किए जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे साहिबाबाद विधानसभा में ही मानसरोवर यात्रा भवन हो, पूर्वांचल भवन हो, उत्तराखंड भवन हो, जिनकी विगत 20 वर्षों से मांग चल रही थी, ये सभी भवन जो है साहिबाबाद विधानसभा में ही, जिसमें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन बनकर जनता के लिए समर्पित होने वाला, बाकी के कार्य चल रहे हैं। संजय त्यागी जी, आप जो तमाम यहाँ पर बातें गिनवा रहे हैं, बातें बता रहे हैं कि रिकॉर्ड काम हुआ है, आपने यही कहा कि अभी रिकॉर्ड काम किया गया है सुनील शर्मा जी द्वारा। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, बहुत बढ़िया काम हुआ है आम जनता के लिए, जो तमाम ऐसी मांगे थी जो 20 सालों से चली आ रही थी वो आपने पूरी की, लेकिन एक जो आम लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, देखिए सड़कों का इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं क्योंकि सड़कों से होकर हमें गुजरना होता है, चाहे हम दफ्तर जा रहे हैं, कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे ज़िले जा रहे हैं, ऐसे में सड़कों का ही बुरा हाल है तो फिर उतने विकास का क्या फ़ायदा। देखिए ऐसा है, जो विजुअल मैं आपके लिए टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, ये रैपिड एक्शन जो दिल्ली टू मेरठ के लिए रेल यात्रा मार्ग सुगम हो रहा है, मात्र 1 घंटे का सफर रह जाएगा, ये वाली तो उसी में जब हैवी ये वाली तस्वीर जी, भी देखिएगा। जी मैं इन्हें भी देख रहा हूँ। देखिए ऐसा है, पूरी साहिबाबाद विधानसभा में पीएनजी लाइन, जो गैस घरेलू गैस है, उसकी सप्लाई का काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत सभी छोटी बड़ी जितनी भी जिन बस्तियों में, मलिन बस्तियों में विकास नहीं पहुंच पा रहा था, वहां भी प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत। संजय जी, जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही आप है। आप कह रहे हैं कि पीएनजी लाइन का काम चल रहा है, तमाम और कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ। प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत पूरे साहिबाबाद विधानसभा में
घेरे सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जो मलिन बस्तियां अब तक वंचित थी इन बेसिक जन सुविधाओं से, तो उसके लिए अब निर्माण कार्य होगा। तो आप समझ सकते हैं पीएनजी लाइन हुई और या सीवर लाइन हुई, तो उनके लिए गड्ढे की खुदाई तो होती है जी। तो आम जनता के लिए जागरूकता को लेकर या आम जनता की सावधानी को लेकर, सुरक्षा को लेकर कुछ तो काम होगा ना, क्योंकि ये जो सड़कें, ये तो मैं मानती हूँ, ये तो मैं मानती हूँ कि ये जो यहाँ पर ट्रेन निकलने वाली है उसको लेकर यहाँ पर काम हो रहा है, जिसमें मेरठ जाने का रास्ता जो है दिल्ली से वो 1 घंटे का सफर हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना भी है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तो किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की नहीं है, वो तो एक गली की तस्वीर है, एक मोहल्ले की तस्वीर है। अगर यहाँ पर बरसात में पानी भरता होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता कितनी परेशानी होती होगी, छोटे छोटे बच्चे तो इसमें गिर भी गए हैं कितनी बार। आम जनता से अगर आप बात करेंगे यहाँ की तो आपको पता चलेगा। देखिए साहिबाबाद विधानसभा में हमारी अपनी भाषा में देखें तो 10 मंडल आते हैं, सबसे बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। अब वहां पर नगर, ये जो गलियां कॉलोनियां आती हैं नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। हमारे जो पार्षद हैं इस वक्त 72 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के 72 पार्षद नगर निगम में पूरी तत्परता के साथ क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब अगर आप इस तस्वीर का कुछ स्पष्ट करें कि क्षेत्र की तस्वीर है, तो मैं कुछ कहने की स्थिति में हूंगा। इस तस्वीर को जरा स्पष्ट कीजिए कि ये साहिबाबाद विधानसभा में किस वार्ड की तस्वीर आप मुझे दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की मैं बात करूं तो ये तस्वीरें जो हैं वो लोकल एरिया की है, कई एरिया ऐसे हैं जहां से तस्वीरें सामने आई हैं। तो लोकल एरिया में विकास को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत वहीं पर है लोगों को विकास की। देखिए कॉलोनी के अंदर जो हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है, कॉलोनी के अंदर, क्षेत्रों के अंदर एक स्थानीय नगर निगम के स्तर पर एक पार्षद एक प्रतिनिधि होता है। अब मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप इस जल भराव की मुझे ये बता दें कि कौन से वार्ड का और कहां का ये है, तो मैं आपसे इस पे कुछ और स्पष्टीकरण आपको दे पाऊंगा। ठीक है संजय जी, एक और बात यहाँ पर आपको, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशु अब्बासी जी, इसका जवाब मैं आपको दूंगी, पहले आशु जी का मैं रुख करूंगी। आशु जी आवाज आ रही है कि मेरी? आ रही है जी, आ रही है। आशु जी, संजय जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। संजय जी कह रहे हैं कि बहुत रिकॉर्ड स्तर पर काम किया है सुनील शर्मा जी ने, क्योंकि विधायक है यहाँ के और सबसे बड़ी विधानसभा का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जैसा कि अभी संजय जी ने भी बताया कि हम बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो आपकी पहली टिप्पणी तो मैं जानना चाहूंगी। 0% कुछ भी विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ इनोकी विधानसभा में। साहिबाबाद हमारी विधानसभा है, हिंडन नदी का पुल 4.5 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। हमारा मेयर गाजियाबाद में बीजेपी का है, 80-82 पार्षद बीजेपी के हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा जगह है जहां बीजेपी ने कोई भी कार्य किया है, कौन से विधायक जी ने काम किया है? सिर्फ अखिलेश जी की देन है गाजियाबाद में, एल्विट रोड, मेट्रो, सारी चीजें समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं किया। आप इनसे पूछिए, 4.5 साल हो गए हैं, हिंडन नदी का पुल अभी तक आपसे क्यों नहीं बना? आप सिर्फ हवाई राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हो आप, जीरो है सब कुछ। राम के नाम पर देश को लूट लिया है, कोई विकास नहीं है। अब वक्त आ रहा है, पता लग जाएगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी 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 जी, देखिए हमारे जो मित्र हैं समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि देश की और प्रदेश की जनता अब जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है, सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है, ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है। चिंता अगर इन्हें करनी है सुपड़ा साहब की, तो सुपड़ा साहब ये अखिलेश जी के जो सिपाही हमारे सामने बैठे हैं, अखिलेश जी मुझे अब जैसा ये कह रहे हैं कि सब कुछ साहिबाबाद विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है, तो मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी पर अगर माँ गंगा को कोई उतार करके लाया था, अवतरित की थी, तो वो भी अखिलेश यादव जी ही लेकर के आए थे। भागीरथ जी का तो नाम वैसे ही लिख दिया ना, जो कुछ किया है इन्होंने ही किया है। भाई भतीजा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग, कभी ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं ये लोग,
देश और प्रदेश की जनता इनको बखूबी जानती है। अब वो समय नहीं रहा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अब वो समय नहीं रहा भाई भतीजावाद, पारावार परिवारवाद, और ये जो तुष्टीकरण की ये राजनीति करते हैं उसका अंत हो गया। और इन्होंने इतने ही अच्छे काम किए थे तो 2017 में इन्हें जनता ने नकार क्यों दिया? ठीक है आशु जी, जवाब दीजिए। देखिए मैं अपने मित्र की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबको लेकर चल रही है, सभी लोग हैं हमारी समाजवादी पार्टी में, लेकिन ये हमें हिंडन नदी वाला पुल क्यों नहीं बना 4.5 साल में? भूगोल में तुम बता रहे हो कहाँ विकास किया है, एलिवेटेड रोड किसकी देन है, मेट्रो किसने चलाई है? अगर नए बसत जैसे आगे को बढ़ाओगे तो हम मानेंगे। हमें 5 काम गिना दो अपने योगी आदित्यनाथ जी के, आपने कौन से काम किए हैं? पूरा देश राम के नाम पर लूट लिया है, सिर्फ और सिर्फ देश का बेड़ा गरा कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया? अरे भाई भूखमरी है कितनी, अरे कितनी भाई राम का नाम हिंदुस्तान में लिया जाएगा या पाकिस्तान में? आपको राम के नाम पे इतनी आपत्ति नहीं? यहाँ बात राम के नाम की नहीं हो रही है, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, राम के नाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कुछ तस्वीरें सामने आई है, देखिए नहीं 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 नहीं, ये मुद्दा नहीं है, आप दोनों सुन लीजिए पहले, ये मुद्दा नहीं है। हम बात अपने गांव की कर रहे हैं, अपने कस्बों की कर रहे हैं, अपने शहरों की कर रहे हैं, तो इसमें राम का नाम मत जोड़िए। देखिए बहुत सारे मौके मिलेंगे राम का नाम जोड़ने की। ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर आप बताइए कि ये तस्वीरें आखिर क्या कह रही हैं। संजय जी आप बार बार मुझसे जानने की कोशिश कर रही थी कि आप बताइए कि ये कहां की तस्वीरें हैं, तो मैं आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो नंदग्राम सिहानी रोड की है। नंदग्राम सिहानी आपको जगह पता होगी क्योंकि आप यहीं पर रहते हैं, आपको बखूबी मालूम है। यहाँ की जनता से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, यहाँ की जनता एक हद तक आप लोगों से खुश भी है लेकिन एक हद तक नाराजगी भी है। समाजवादी देखिए ऐसा है, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ लेकिन उससे पहले जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई बैठे हैं मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सबका साथ सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, तो समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति जो रेप के आरोप में जिसे सजा हो चुकी है उसको भी आज समाजवादी पार्टी में ये साथ लेकर के चल रहे हैं, आजम खान को ये साथ लेकर के चल रहे हैं, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को ये साथ लेकर के चल रहे हैं, तो ये तो रहा इनका समाजवाद। अब तुम्हारे जो एक्सीडेंट कर दिया मेरे साथ किसान भाइयों पर की गाड़ी चला दी एक्सीडेंट, किसी ने एक्सीडेंट नहीं, आपको एक्सीडेंट याद आता है भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को वहाँ कुछ गुंडों ने तथाकथित गुंडों ने पीट पीट कर मार दिया, वो आपको याद नहीं आता? साहिबा बात की बात होती है कि समय समय कम है, आधे घंटे का ही समय है, लखीमपुर खीरी राम का नाम ही छोड़ दीजिए ना। हाँ, मुख्यमंत्री साफ छवि का नहीं है। नहीं आशु जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 2017 से पहले साहिबाबाद का कितना विकास हुआ था जरा आप भी बता दीजिए, क्योंकि संजय जी ने तो बहुत सारी बातें यहाँ गिनवाई हैं, आप भी बता दीजिए। जी जी जी, जब समाजवादी की सरकार थी तो हमारे यहाँ पर विकास की गंगा बह रही थी, ऐसा कोई हाँ, नहीं है हमारे गंगा माता को अखिलेश यादव ही तो पृथ्वी पर लाए थे उतार के, गंगा मैया को पृथ्वी पे लाने का श्रेय अखिलेश यादव जी को ही तो जाता है। बोल संजय जी बोलने दीजिए, ठीक है ठीक है, नाम लिख दिया गया इस पर, आप बहुत देर से मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो संजय जी बोलने दीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आशु जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? 100 वार्ड है, 100 वार्डों में एक एक वार्ड में गाजियाबाद की, हमारे गाजियाबाद की बदनसीबी, इतना सब कुछ हमारे अखिलेश जी ने गाजियाबाद को दिया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दिखाता, 100 वार्डों में एक वार्ड ऐसे नहीं बचा जिसमें काम नहीं किया हो हमारे पार्षद जी ने। नहीं वही तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या काम किया है, क्या काम किया है, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ काम किया है। इनको नकार क्यों दिया 2017 में प्रदेश की जनता ने? सर मेरी जनता सनातन है, वो उसका जो भी वो आएगा समाज। नहीं तो संजय जी ये कोई बात नहीं हुआ ना, कई कई सालों तक आप भी सत्ता का स्वाद नहीं चख सके थे ना, सत्ता का स्वाद तो आप ही भी कई सालों तक नहीं चखा था, इन 5 सालों में आपने क्या काम किया है वो तो 2022 में पता चल जाएगा। वेरी गुड, हिंडन नदी का पुल देख लो 5 साल होने पा रहे हो क्यों नहीं बन रहा है, आज तक भी नहीं बना, ऐसा है
मैं कहना चाहता हूं, ये जो विजुअल आपने मुझे दिखाए, अब मैं इन विजुअल की बात कर लेता हूं जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। चलिए शुक्र है कि आप इन विजुअल्स की बात कर रहे हैं, वरना मुद्दे को कहीं और ही भटकाने की कोशिश हो रही थी। नहीं 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 नहीं, ये समाजवादी पार्टी के भाई साहब को जरा बताइए कि मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें, और ये इस तरह के आंदोलन बात आप ना करें। नहीं, आप सवाल उठाओगे तो जवाब मिलेगा, आप सवाल उठाओगे तो जवाब मिलेगा। विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं हम, विकास ये हमारा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। कौन से विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो? विकास दुबे के कानपुर वाली के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो क्या? संजय जी, संजय जी, आप बार बार तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि तस्वीरों पर हम बात कर लेते हैं, आप फिर भी लेकिन आप बात ही नहीं करते तस्वीरों पर। मुख्तार अंसारी व्यापारी नजर आते हैं, मेरठ के हाजी जी आपको व्यापारी नजर आते हैं। मनीष गुप्ता व्यापारी नहीं थे? मनीषा बहन वाल्मीकि की, क्या आपने 12 बजे हिंदू समाज में जबरदस्ती हत्या करी? जला आपने नहीं, आपको सिंधु बॉर्डर पर नहीं दिखाई दिया कुछ भी? सिंधु बॉर्डर पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। सिंधु बॉर्डर हो, लखीमपुर खीरी हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, बहुत बातें इन पर हो गई है। अब जरा आपके रिपोर्ट कार्ड पर भी बातचीत हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने इन 5 सालों में क्या काम किया है, तो उस पर भी चर्चा होनी बनती है ना। आम जनता क्या कहती है, उस पर भी बात हो जाए। आप लोग तो बस एक ही मुद्दे को लेकर कभी राम के नाम की जिक्र कर लेते हैं, कभी लखीमपुर पहुंच जाते हैं। साहिबाबाद में रहिए ना, साहिबाबाद में रह करके देखे, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम के नाम से वो इन लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है? ये सिर्फ आपके नहीं है, वो सबके हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके भी हम सुन लेते हैं। लिया जाएगा प्रभु श्री राम के नाम से इतनी चिड़की। ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बात अपनी रखना चाहते हैं, वो भी सुनना जरूरी है। अरे संजय जी, आपने बहुत काम किया है ना, तो दर्शक जो जुड़े हैं उनकी भी तो सुन लीजिए ना, वो क्या आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी 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 जी, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनकी आवाज जरा सुनवाइए। ठीक है, उनका फोन अभी कट गया है। दोबारा से हम जिस तरह से इस मुहिम को चला रहे हैं, तो रोजाना हमारे पास फोन आते हैं और सवाल जवाब होते हैं। हम इंतजार करेंगे जल्दी से कि फोन आए और वो सवाल करें आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों से अब सवाल करना बनता है, आम जनता ही अब आपसे सवाल करेगी। संजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा जरा कागज कलम ले लें और मैं साहिबाबाद विधानसभा, केवल और केवल साहिबाबाद विधानसभा के कार्यों को गिनवाना शुरू कर रहा हूं, जरा कागज पेन ले लें। अरे बताओ, मैं गाजियाबाद विधानसभा से साहिबाबाद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा लिखने का काम करिए। 13,54,000 की लागत से वार्ड नंबर 50 प्रेम एंक्लेव सद्दीक नगर कैलाश अस्पताल में नईमुद्दीन के मकान से प्रदीप के मकान तक, नरेश के मकान से सुनील के मकान तक, सतवीर फौजी के मकान से जितेंद्र के मकान तक, वह सोमवीर के मकान से मोनू के मकान तक नाली इंटरकॉकिंग टाइल्स का काम हुआ। 2,41,000 की लागत से पूर्व माध्यमिक विद्यालय अर्थला जहां ये बैठे हैं के टेबल और बेंच की व्यवस्था की गई। 4,81,000 की लागत से विद्यालय अर्थला में टेबल और बेंच की दोबारा व्यवस्था की गई। लिख लें जरा ये समाजवादी पार्टी के भाई। 6,55,000 की लागत से प्राथमिक विद्यालय करेड़ा में टेबल बेंच की व्यवस्था की गई। 2,84,000 की लागत से प्राथमिक विद्यालय कड़कड़ मॉडल में टेबल बेंच की व्यवस्था की गई। 3,94,000 की लागत से प्राथमिक विद्यालय कड़कड़ मॉडल में टेबल व बेंच की व्यवस्था की गई। 1,58,000 की लागत से पूर्व माध्यमिक विद्यालय लाजपत नगर में टेबल व बेंच की व्यवस्था की गई। 1,62,000 की लागत से प्राथमिक विद्यालय लाजपत नगर में टेबल बेंच की व्यवस्था की गई। 66,000 की लागत से पूर्व माध्यमिक विद्यालय पप्पू कॉलोनी में टेबल बेंच की व्यवस्था की गई। 3,50,000 की लागत से प्राथमिक विद्यालय पप्पू कॉलोनी में टेबल व बेंच की व्यवस्था की गई। संजय जी, ठीक है संजय जी, अगर इतना काम हुआ होता तो फिर ऐसी तस्वीर साहिबाबाद की नहीं होती। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे सवाल दर्शक करना चाहते हैं, आपसे सुन लीजिए, आपसे दर्शक सवाल करना चाहते हैं, सवाल कीजिए जी। स्वागत संजय जी, आप
आपसे सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ, मैं साहेबाबाद विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ और यहाँ की जो सड़कें हैं वो इस तरह से खस्ता हाल है कि अगर आप पैदल भी निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते। पानी की आप देखेंगे नाली में, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। ये हम पिछली सरकार में भी देखते थे, अब भी देखते थे, फिर हमारा आपको सुन के लाने का फायदा क्या हुआ? संजय जी सुना आपने? जी मैंने सुना। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, दर्शक ने ठीक है, हमारे देखिए हर मतदाता का सवाल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपको बताया था कि पूरे साहिबाबाद विधानसभा में घरेलू गैस पीएनजी के कनेक्शन की लाइनें बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत गहरे सीवर लाइन का काम चल रहा है, तो कॉलोनियों के अंदर, अब आप मुझे एक बात बताइए, सड़क काट के ही तो गहरे सीवर लाइन का काम होगा? समय लगता है, हर चीज का अपना एक प्रोसेस है। पूरे युद्ध स्तर पर घरेलू गैस पीएनजी की लाइन, जो बस्तियां, जो गरीब बस्तियां विकास से वंचित थी, उन बस्तियों के अंदर प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत गहरे सीवर लाइन का काम, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देहातों में भी ये काम किया, देहातों में सुलभ शौचालय के माध्यम से ये काम हुआ, और शहरी क्षेत्रों में निगम नगर पालिका क्षेत्रों में प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत ये कार्य चल रहे हैं। तो कहीं सड़क कटेगी भी काम चलेगा, उसका एक अपना प्रोसेस होता है। इन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा, प्रदेश की जनता इन्हें 2017 में भी नकार चुकी है, और सवाल है आपका, इनकी जमानतें जब्त होने जा रही है। एक मिनट आशु जी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, वो सवाल कर रहे हैं संजय जी से। तो वो जो सड़क है वो धस चुकी है और उस सड़क के धसने के वजह से कई एक्सीडेंट हुए, और मेरे एक परिचित था जिनकी इस हादसे में मौत भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद की सड़क पर कोई ध्यान नहीं देता, वो सड़कों के गड्ढे जो दबी हुई है उनको, आवाज साफ नहीं आ पा रही। वो उनका यही सवाल है कि सड़कों में जो गड्ढे बने हुए हैं, इसकी शिकायत कितनी बार की जा चुकी है, लेकिन इन गड्ढों को भरा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया, मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ कि जब पूरे साहिबाबाद विधानसभा नहीं, संजय जी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो गड्ढे बन गए हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, देखिए अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो उनकी मरम्मत का काम तो हो सकता है ना, या उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया 26 से लेकर 28 पार्षद विभिन्न दलों के, दूसरे दलों के, भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं है। अच्छा, जहां आपने जो विजुअल मुझे अभी सियानी रोड का दिखाया, वो वहां पर वार्ड 32 की वो तस्वीरें थी, वहां पर बसपा के, जो कि अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक महीने पहले शामिल हुए हैं दीपक जी, वहां वो बसपा के पार्षद थे। तो ये स्थानीय जिम्मेदारी स्थानीय पार्षद की होती है, विधायक जी का मैं रिपोर्ट कार्ड ही आपके सामने पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मेरी विधायक आपके, सांसद आपके, मुख्यमंत्री आपके, तो फिर तो काम तो तेजी के साथ होना चाहिए। काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है, टेंडरिंग प्रक्रिया ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए आखिरी कमेंट आशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को हम यही खत्म करेंगे। मैं त्यागी जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, सिर्फ ठीक है। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा गांव मेरा देश में आज हमने बात की साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की, जहां की तस्वीरें खस्ता हाल थी, जहां की सड़कें खस्ता हाल थी। यहां पर बीजेपी द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम रिकॉर्ड स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, वहीं सपा एक बार फिर से आरोप लगाने का काम कर रही है कि इन 5 सालों में कोई विकास साहिबाबाद का नहीं हुआ है। लेकिन आम जनता किस तरह से 2022 में जवाब देगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।